हेलो फ्रेंड्स यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन स्टडीज़ जिसका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ ट्रांसलेशन इस टॉपिक को आज कवर करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर अपना एक भी मिनट ज़ाया किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू तो क्या मतलब होता है ट्रांसलेशन का जैसे कि आपको पता हो आप इंटर में थे आप मैट्रिक में थे आपको एक पैसेज दिया जाता था जो कि इंग्लिश में लिखा होता था आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना था कि ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू इस तरह से ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी या फिर उर्दू पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता था होता क्या था उसमें उसमें हम लोग एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के अंदर रिटर्न टेक्स्ट को कन्वर्ट करते थे ऐसा ही है जब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के अंदर रिटर्न टेक्स्ट को कन्वे किया जाए फॉर द सेक ऑफ कन्वेइंग मीनिंग इज नोन एज ट्रांसलेशन अब इसमें क्या है फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को जो कि टेक्निक है हमारी जी टी एम ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड जिसमें हम क्या करते हैं कि एक पैसेज की रीडिंग करते हैं वहाँ से ग्रामर के रट्टा लगवाते हैं कि ये रूल्स है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे आना है लेकिन साथ साथ उसी पैसेज की ट्रांसलेशन कर रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज द सोर्स लैंग्वेज इन टू अन अदर लैंग्वेज द टारगेट लैंग्वेज तो ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग मीनिंग यानी कि मतलब जो है कन्वे करते हैं एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट की तरफ एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज की तरफ ठीक है अपने सोर्स लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उसको टारगेट लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना ठीक है जैसे कि ये मैंने अभी क्या किया एक काइंड ऑफ टूटी पजी सी मैंने ट्रांसलेशन किया है यहाँ पे ठीक है टूटी फूटी सी अब मैंने जो वर्ड पजी बोला मैंने इसकी भी फूटी अगेन एक और ट्रांसलेशन कर दी है क्यों की है ताकि आ, आप कॉन्सेप्ट समझ लगे कि कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि पंजाबी है तो उसको उर्दू में कर देना इंग्लिश है तो उसको उर्दू में कर देना उर्दू है तो उसको इंग्लिश में कर देना स्पेनिश है तो उसको जो है उर्दू में कर देना मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस को डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना क्या करने के लिए आपको आपका जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए तो बेसिकली वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है फॉर द सेक ऑफ कन्वेइंग मीनिंग जैसा कि हम लोगों ने वन हंड्रेड ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड नॉवल पढ़ा वो एक्चुअली में जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया था हमने उसको इंग्लिश में पढ़ा अब वो हमारे पास ट्रांसलेटेड फॉर्म में आया क्यों ताकि हम उस टेक्स्ट के अंदर जो जर्मनी के अंदर रिटर्न है उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें क्योंकि अगर वो जर्मन में ही होता तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है हम लोगों ने जर्मनी ही नहीं पढ़ी इंग्लिश हमने पढ़ी है क्यों पढ़ी है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है हर एक सिलेबस में पढ़ाई जाती है किसी भी आप कंटेंट को उठा uh, के देख लें किसी भी आप यूनिवर्सिटी को ठाक लें कोई भी लेवल इस्लामिया है बी एस इस्लामिया बी एस मैथमेटिक्स कोई भी है हर लेवल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है ठीक तो है तो इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो दैट इज़ वाई बहुत सी बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया क्यों ताकि अंडरस्टैंडिंग हो हम उसको मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके उसके आइडियाज़ को उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सके तो इसमें क्या होता है इसमें हम लोग वर्ड की रिप्लेसिंग करते हैं ठीक जैसे कि इक्वलेंट वर्ड जो बिल्कुल उससे मिलते जुलते वर्ड हो उसके इक्वल लेवल पे आ रहे हो जैसे कि बात है वर्ड हमारे पास सैड है सैड का साम हमारे पास ग्रीफ है ये मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ अगर मैं कहूँ सैड सैड का मतलब दुखी ठीक है तो उसका इक्वलेंट वर्ड यूज करें दूसरे लैंग्वेज के अंदर so तो इट्स अबाउट ट्रांसफरिंग द इंटेंडेड मैसेज टोन एंड कल्चरल नंसर्स फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज टू द टारगेट लैंग्वेज ठीक तो यह है जो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन अब इफेक्टिव ट्रांसलेशन रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ लैंग्वेजेस एज वेल एज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज ठीक है कि मतलब क्या दोनों लैंग्वेजेस के हमारे पास कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी हो और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज भी हो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास मैं उर्दू कल्चर से बिलोंग करती हूँ मेरी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है अब इंग्लिश लैंग्वेज की जो है मैंने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू के अंदर तो मैंने जो टेक्स जिस कॉन्टेक्स में लिखी गई है मेरे पास नेसेसरी है जरूरी है कि उस कल्चर का कॉन्टेक्स्ट उसका भी नॉलेज हो और जिस कल्चर में बैठ के मैं लिख रही हूँ जिस कल्चर के उसको ट्रांसफलेट कर रही हूँ मेरे पास इस कल्चर का भी नॉलेज हो तो कल्चरल कॉन्टेक्ट और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाई दोनों का पता होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर बेसिकली थीम्स जो है जिन थीम्स के अंदर जिस कॉन्टेक्स में लिखा जा रहा है दोनों का पता होना जरूरी है तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है ठीक है जिसके अंदर हम लोग वेरियस टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इसमें क्या होता है जितने भी एक एक वर्ड दिए होते हैं जैसे कि हम लोग इंटर को पढ़ाते हैं कि बटन बटन का चैप्टर है बटन 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 देर वाज अ बटन यूनिट ठीक है दुबाने वाला एक आला था ठीक है अब एक एक ग्लव्स की ट्रांसलेशन की जा रही होती है तो वो कहते हैं वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन जिसमें ईच वर्ड इन द सोर्स टेक्सट उसको हम लोग ट्रांसलेट किया जाता है डायरेक्ट ट्रांसलेशन की जाती है उसकी अब इसके बाद हमारे पास है लिटरल ट्रांसलेशन जिसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग ना जो हमारी सोर्स लैंग्वेज होती है उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करते हुए ट्रांसलेशन करते हैं ठीक है थीके? अब फ्री ट्रांसलेशन इसमें हम लोग स्पेसिफिकली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट लिखी हुई है जैसे कि मैं यहाँ पे बताइए अ ट्रांसलेशन दैट एम्स टू कन्वे द मीनिंग ऑफ द सोर्स टेक्स इन अ नेचुरल एंड एडियोमेटिक वे इन टू द टारगेट लैंग्वेज ठीक अब ये एक लाइन लिखी हुई है सिंपली क्या बताया गया है कि हम लोगों ने जब कोई लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करनी है ना तो उसमें हम लोग मेन कॉन्टेक्स्ट जो है वो कन्वे करते हैं ठीक अब मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं की इसमें जो एग्जैक्ट एक एक लवस की मैंने ट्रांसलेशन नहीं बताई बस मैंने एक कॉन्टेक्ट बता दिया आपको कि हम लोग जो है ना मेन आइडिया कन्वे कर दें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी इसमें फ्री ट्रांसलेशन है जैसे मदर ट्रांसलेशन करें लेकिन आपका जो आइडिया बिहाइंड द टेक्स्ट है वो कन्वे होना चाहिए ठीक है तो ट्रांसलेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ग्लोबल कम्युनिकेशन इनेबलिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इट्स एसेंशियल इन फील्ड सचैस बिजनेस डिप्लोमेसी लिटरेचर एंड टेक्नोलॉजी क्लियर अब एक्जिक्यूज मैं पूछती हूँ आपसे क्योंकि हमारा टॉपिक तो हो गया अब मैं इस तरह से क्वेस्ट करूँगी आपसे देखते हैं आपको समझ लगी कि नहीं लगी वॉट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रांसलेशन स्क्रीन पर आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे यहाँ पर वीडियो को पॉज करें आप ऑप्शन को मार्क करें देन वीडियो को स्टार्ट करें फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ तो ए है टू रिप्लेस वर्ड्स विद देयर इक्वेलेंट्स इन अनदर लैंग्वेज B to convey the intended message tone and cultural nuances of the source text C to follow the grammatical structure of the source language closely D to provide a word for word translation So right answer is B to convey the intended message tone and cultural nuances of the source text Reason translation is not just about word replacement but also about

माइंड में सोचें या लिख लें देन वीडियो स्टार्ट करें तो द राइट आंसर इज सी फ्री ट्रांसलेशन फ्री ट्रांसलेशन ऐसी ट्रांसलेशन है जो कि हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकें टू द टारगेट कल्चर एंड ऑडियंस और इन्श्योर करती है कि हम लोग और नेचुरल और इंगेजिंग रीडिंग एक्सपीरियंस जो है वो फेस करें ठीक है देन क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ इज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रांसलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है तो ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है इसका एक्यूरेट स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो राइट आंसर इज ए इट हेल्प्स ट्रांसलेटर्स अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स एसेंशियल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दैट कैन इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट क्लियर नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन एंड लिटरल ट्रांसलेशन इनके दिमाग में क्या डिफरेंस है ऑप्शन ए बी सी डी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज मोर फ्लैक्सीबल दैन लिटरल ट्रांसलेशन बी लिटरल ट्रांसलेशन फॉलोज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सोर्स लैंग्वेज मोर क्लोजली सी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज ऑलवेज मोर एक्ूरेट देर इज़ नो डिफरेंस बिट्वीन द टू तो द राइट आंसर इज बी लिटरल ट्रांसलेशन follows the grammatical structure of the source language more closely. literal translation aims to maintain the original sentence structure, while word-for-word -word translation may involve some adjustment to ensure fluency in the target language. then, question five is, why is translation important in global communication? screenplay options show a. and the right answer is a. it allows people from different cultures to understand each other. ट्रांसलेशन ब्रिजेस लैंग्वेजे बेरियर्स एनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड दट्स ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दो में खास याद रखेगा स्टेट टेक केयर